उत्तर प्रदेश 2021 की दरोगा भर्ती प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में सपा मुखिया ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसे परीक्षा रद्द करवाकर दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है। वहीं अखिलेश की ओर से सीएम योगी को लिखा गया पत्र भी सामने आ गया है, जिसमें दरोगा परीक्षा भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाए गए हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी से पत्र के माध्यम से पूछा है, 6 राज्यों में ब्लैकलिस्ट फर्म NSCIT को भर्ती परीक्षा कराने का टेंडर क्यों दिया गया। पत्र में बताया गया है कि यह कंपनी 2017 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भी सेधमारी कर चुकी है, जिसके बाद परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित करानी पड़ी थी। फिर 2021 में इसी कंपनी को दोबारा परीक्षा आयोजित कराने का टेंडर क्यों दिया गया। वहीं अखिलेश ने कहा है कि सरकार अगर ईमानदारी और पारदर्शिता का दावा करती है तो दरोगा भर्ती में हुई धांधली के मामले में SIT जांच कराने पर मौन क्यों है। अखिलेश ने पत्र के जरिए कहा है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी और सेंटर मालिक पकड़े गए, STF ने उन सेंटर को बैन किया जिनके नाम FIR में लिखे थे, लेकिन सरकार ने नया सेंटर बनाकर उसी सेंटर पर परीक्षा आयोजित कराई। साथ ही भर्ती में धांधली स्क्रीन शेयर VMC ऐप सेंटर खरीद कर जिस तरह से धांधली हो सकती थी उसी तरह से कराई गई। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि 2 महीने पहले PET परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों के 100 में से मात्र 15, 20 और 35 नंबर थे, उन अभ्यर्थियों ने 2 महीने बाद होने वाली दरोगा परीक्षा में 160, 154, 153, 150 तक सही प्रश्न कैसे हल कर दिए। लड़कों की जो स्क्रीन वायरल हुई, नीतीश कुमार उसका एक उदाहरण है। अखिलेश ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा है कि कई लड़के ऐसे हैं जो DVPST में फेल है, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट में नाम है। सरकार ने अभी हाल में 12 जून 2022 को रिजल्ट जारी किया, उसमें फिर घोटाला कर दिया। साथ ही बताया गया कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको सरकार ने किसी को अनुसूचित जाति और किसी को अनुसूचित जनजाति बना दिया। जबकि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि अन्य राज्य का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में ही गिना जाएगा, लेकिन रिजल्ट में उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित आरक्षण दे दिया गया। वहीं सीएम योगी को लिखे पत्र में धांधली के संबंध में दिए गए विजय मिश्र, जय सिंह यादव और सावन शर्मा के शिकायती पत्र को भी संलग्न किया गया है। We'll be right back.